व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज के इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक से स्टंट होंगे, तो कृपया करके अपना सीट बेल्ट बांध के और थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखना। लास्ट केस स्टडीज में मैंने बताया था कि कैसे आप लोग जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोडिंग वेबसाइट वगैरह कैसे काम करता है और उससे कैसे क्या कुछ हो रहा है दुनिया में या फिर तो इंटरनेट के वर्ल्ड में। उसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कई सारे लोग ये लिखते हैं कि भाई एडसेंस अप्रूवल नहीं देता इसमें, ये तो भाई इलीगल टाइप की चीज है। मेरे एक भाई साहब ने तो ये कमेंट कर दिया, अब तो सॉन्ग्स डाउनलोडिंग वेबसाइट्स पर भी कॉपीराइट्स नहीं आएंगे, वहां पर भी एडसेंस मिल जाएगा, फिर के ले रहा था। बट हम ठहरे अंडरग्राउंड ब्लॉगर, तो हम कोई भी बात को मजाक में ले लेते हैं, उसको सीरियस भी ले लेते हैं और मतलब बिल्कुल दिल पे ले लेते हैं। तो उसी हिसाब से आज का ये वीडियो है कि कैसे सॉन्ग्स डाउनलोडिंग वेबसाइट्स मतलब भर भर के सब कुछ कर रहा है, इवन उस पे कैसे एडसेंस चल रहा है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, इवन बहुत सारे लोगों को यहाँ पर पता भी होगा कि भाई जो सॉन्ग्स डाउनलोडिंग वेबसाइट है वो कितने सदियों से राज करता हुआ आ रहा है, इवन उस पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देखते रहो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड इवन आज के टाइम पे कैसे उस पे एडसेंस भी अप्रूवल लगा रहता है, मतलब हैरान हो जाओ कि आप, मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि सॉन्ग्स राउंडिंग वेबसाइट है, कॉपीराइटेड चीज है सारे के सारे, बिकॉज gaana.com स्पॉटिफाई ये सारे क्या मतलब यहाँ पर झक मारने के लिए बैठा है, क्योंकि ये लोग अपने इलीगल वेबसाइट्स को रन कर रहे, इवन वहाँ पर एडसेंस भी रन कर रहे हैं। आइए चलिए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। डिस्क्लाइमर, वीडियो में कहे गए किसी भी बातों को या फिर दिखाया गया किसी भी इमेज को अपने दिल गुर्दे या फेफड़े में ना ले, अपने बनाए गए वेबसाइट में यूज करें ताकि आपको भी फायदा मिले। आइए सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले में आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्प्ले नहीं, बेसिकली लैपटॉप में आपको कुछ दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ अपना डिस्प्ले ताकि आप लोगों को पता चले। अभी यहाँ पर गाइस डिस्प्ले पे आप लोग देख रहे होंगे ये कुछ है dhunwap.in, जिसमें एडसेंस का एड दिख रहा है आप लोगों को। mixlove.in, इसमें भी एडसेंस का एड दिख रहा है। और ये पता नहीं ओल्ड इज गोल्ड, बाप रे, इस पर भी आपको एड्स दिख रहे हैं, एड्स का एड होगी। सॉन्ग फॉरेस्ट, इसमें भी आपको एड दिख रहा है और ये तो ऑफ कोर्स वर्डप्रेस पे बना है। tamilmp3plus.com, इस पर भी आपको एड्स का एड देखने को मिल रहा है। और ये djpubg.com, यहाँ पर भी आपको एडसेंस को एड देखने को मिल रहा है। ना सॉन्ग्स, बी ड्रामर और ऐसे पता नहीं कितने सारे वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें हमें एडवर्टिजमेंट देखने को मिलता है, वो भी गूगल एडसेंस का। ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ पर रैंकिंग वैंकिंग का बात करेंगे, उसके साथ साथ ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आपके पास ऐसे किसी भी टाइप का वेबसाइट हो जो कि इलीगल चीज़ों को करता हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग, क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग और MP3 डाउनलोडिंग, मूड APK डाउनलोडिंग, नल थीम का वेबसाइट वगैरह, इन टाइप के चीजों में अगर आप वर्क करता है और उसमें अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो वो किस तरीके से लोगे, वही चीज यहां पर बताऊंगा। तो उसके लिए आज मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक नहीं बोल सकते यार, एक यूट्यूबर के हिसाब से ये इसको नुस्खा बोल सकते हैं हम लोग, तो ऐसे नुस्खा बताएंगे जिसके हिसाब से अगर आपके पास भी इसी टाइप के कुछ वेबसाइट्स हैं, उसके लिए आप एक बहुत ही बेहतर पात्र या पात्री ढूंढ रहे हैं, यानी कि लड़का लड़की ढूंढ रहे रिश्ता करने के लिए, तो मेरे पास एक रिश्ता है जिसका नाम है एडसेंस और पिता का नाम है गूगल, माता का नाम है एडवर्ड्स। आइए चलिए रिश्ता बनाते हैं, पक्का करते हैं। चलो सबसे पहली बात, यहाँ पर ये रैंक करता है अभी है या नहीं है, मतलब एडसेंस तो लगा लिया, चलो ऐसे भी हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या रैंक करता है ये सारे जितनी वेबसाइट्स है। तो देखो यार, आप लोग आज से एक डेमो वेबसाइट स्टार्ट करो, MP3 जो भी नए नए सॉन्ग्स आते हैं उनको डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट डाउनलोडिंग का फैसिलिटी देकर स्टार्ट करो, ठीक है। कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा आपको वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, जस्ट MP3 वेबसाइट जो सॉन्ग होगा उसका बस नेम डाल के आप MP3 धड़ाधड़ पब्लिश करते जाओ। थीम आपका खुद का होना चाहिए, आप देख लेना कौन सा थीम। 4 से 5 महीने उसके अंदर अगर आपका रिजल्ट नहीं आया ना, इस वीडियो के नीचे आके कमेंट बॉक्स में लिखना कि भाई मेरा वेबसाइट में विजिटर नहीं आ रहा है, रैंक वैंक कुछ नहीं, विजिटर नहीं आ रहा है। बिकॉज देखो मेरे पास भी एक दो वेबसाइट है, इवन मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास ऐसे MP3 डाउनलोडिंग वेबसाइट है, उनका भाई क्या लॉजिक रहता है मुझे पता है, बिकॉज बहुत ही इजी होता है रैंक करवाना। ये बहुत एक बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में MP3 सॉन्ग्स को डाउनलोड करवाना, जो कि एक बहुत ही लीगल और घटिया चीज़ है। फिर भी हम बात करेंगे इसके ऊपर, बिकॉज हम अंडरग्राउंड ब्लॉगर हैं तो इन्हीं टाइप के चीज़ों पे हम यकीन रखते हैं। और अगर पूछो आप लोग मेरे से कितने विजिटर्स आ सकते हैं, इसका पोटेंशियल ट्रैफिक सोर्स कितना है, तो यार
YouTube में अगर बॉलीवुड सॉन्ग्स का अगर आप देखोगे या हॉलीवुड सॉन्ग्स का देखोगे तो यार वो मिलियन बिलियन में व्यूज होता है, जबकि वहाँ पर बस देखने के लिए, हर कोई बंदा ऐसे देखने के लिए YouTube चालू करके सॉन्ग सुनेगा नहीं, जिनको सुनना होता है उनको डाउनलोड कर लेता है। मेरे पास गाना का भी सब्सक्रिप्शन है, Spotify का भी सब्सक्रिप्शन है, बट इससे पहले मैं भी इन्हीं टाइप के वेबसाइट से डाउनलोड करता था। आप लोगों को याद होगा DJMaza.com, webmusic.com, वन ऑफ द फेमस आइडियल वेबसाइट्स है इंडियन इंटरनेट हिस्टोरी का। तो देखो यार, ये जो जिस टाइप का वेबसाइट्स है ना, इन पे आपको ट्रैफिक अनलिमिटेड, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक मिलेगा अगर आपका वेबसाइट एक दो साल पुराना हो जाता है, थोड़ा बहुत आप इसमें थोड़ा सा SEO, बस थोड़ा सा SEO करते हो, जैसे हम ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में करते उतना भी करना नहीं पड़ेगा, उसका 10% भी आप अगर ऑन पेज SEO वगैरह ऑप्टिमाइज करके रखते हो तो आपको ट्रैफिक बहुत सारा मिलेगा। तो इसलिए रैंकिंग और ट्रैफिक का चिंता तो आप छोड़ ही दो। मेन जो पॉइंट है इस टाइप के नीच का, वो डेड हो रहा है इसीलिए बिकॉज इससे रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। आप अगर एक डाउनलोड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। लाइक अगर आपकी वेबसाइट में पर डे का 5-6 लाख ट्रैफिक भी आ रहा है ना, तो उसी को हैंडल करने के लिए आपको मंथली जो होस्टिंग पे करना पड़ेगा वो $200 से $300 होगा, तो इतना रेवेन्यू भी आना चाहिए ना। पिछले टाइम पे जितने भी सारे सॉन्ग साइट थे वो सारे के सारे पॉप एड्स और ऐसे पर्सनल प्रमोशन वगैरह के थ्रू जो है इनकम कर लेता था, लेकिन वो सारे साइट्स डेड हो रहा है। आज के टाइम पे ही जो कुछ साइट्स थे वो बचे हुए हैं इस टाइप के नीच पे। अब मेन जो पॉइंट है वो है एडसेंस अप्रूवल। तो वो कौन सा रीजन है जिसके वजह से एडसेंस वा इनके साथ रिश्ता जोड़ रहा है? एक चीज आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं की होगी, जितने भी सारे वेबसाइट्स मैंने यहां पर दिखाया उसके अंदर अगर आप जाओगे, अगर विजिट करोगे, देख लेना यहाँ पर URL वगैरह, तो आप लोग नीचे देखोगे कि भाई DMCA कॉपीराइट, यहाँ पर भी ये टॉक टू ट्रेंड, इस पर भी देखो नीचे अगर आते हैं हम लोग तो ये DMCA वेरीफाइड है। DJ PUBG का भी देखे तो यहाँ पर भी डिस्क्लाइमर पेज है। तमिल MP3 प्लस का भी देखे तो यहाँ पर इनका भी डिस्क्लाइमर वाला पेज है। जी हाँ दोस्तों, यही है वो नुस्खा जिसके वजह से एडसेंस वा इन टाइप के वेबसाइट के साथ भी अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, एंड इवन आप भी अपनी वेबसाइट के साथ एडसेंस का रिश्ता इजीली जोड़ सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, वो है कि भाई आप इलीगल चीज़ तो प्रोवाइड कर रहे हो, बट उसका पर्पस क्या है, एंड अगर उस पर्पस को किसी को पसंद नहीं आया तो उसको अगर वो एक्शन लेना चाहे तो उस एक्शन पे आप रिएक्शन कैसे करोगे, ये सबसे मेन पॉइंट होता है जिस वजह से हर किसी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल होता है। अगर आपके वेबसाइट में डिस्क्लाइमर या DMCA या कॉपीराइट, इन तीनों में से कोई सा भी पेज ना हो जिसमें प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दिया ना गया हो कि भाई हाँ मेरे जो वेबसाइट पे जितने भी सारे सॉन्ग्स है, जितने भी सारे इलीगल चीज़ें या जितने भी सारे कॉपीराइटेड मटेरियल है, उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर उन चीज़ों को अगर कोई भी हटवाना चाहता है, रिमूव करवाना चाहता है, तो उसको हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ये चीज़ अगर क्लियरली मेंशन नहीं हुआ तो उसमें एडसेंस अप्रूवल तो दूर की बात, एडसेंस मुड़ के देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपके वेबसाइट पे इस टाइप का पेज मौजूद है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, रिश्ता पक्का, मिठाई बंटवाओ और मतलब नाचो गाओ, क्या करें, मतलब बहुत ही अमेजिंग होगा फिर तो। यही एक मेन रीजन है जिसके वजह से आज के टाइम पे जितने भी सारे सॉन्ग्स डाउनलोडिंग वेबसाइट से, एप्लीकेशन डाउनलोडिंग वेबसाइट से, सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग वेबसाइट से, उन पे एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। अब यहाँ पर डिस्क्लाइमर पेज में होता क्या है, अब अगर देखेंगे तो सॉन्ग्स डाउनलोडिंग जितनी भी वेबसाइट है उनके लिए अलग डिस्क्लाइमर होता है, एप्लीकेशन डाउनलोडिंग के लिए उसके लिए अलग डिस्क्लाइमर या DMCA ये कोई कुछ होता है। तो ये इसको आप अपने वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करोगे, देखिए आप एक तो कर सकते हैं, आप अपना खुद का डिस्क्लाइमर DMCA का पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, आप खुद से लिखिए और उसको पब्लिश कीजिए, या फिर तो कुछ ऑटो जनरेटेड टूल होता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई थिंक DMCAgenerated.ICO ऐसा कुछ एक वेबसाइट है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, बहुत ही अमेजिंग होता है, उसमें अलग अलग वर्जन में मिल जाएगा। अगर किसी भी वेबसाइट के लिए आप DMCA पेज बनाना चाहते हो उसमें ऑप्शन मिल जाएगा, तो उससे भी आप बना सकते हो। दूसरा चीज आपको जो करना होगा, DMCA.com जो होता है वहां पर आपको अपनी वेबसाइट पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे कि आप सर्च कंसोल में करते हैं, बिल्कुल सिंपल होता है और इवन बिल्कुल फ्री भी होता है। इससे क्या होता है, देखो DMCA में सबमिट करने से क्या होता है, गूगल एडसेंस को ये ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं ये बंदा भले ही इस चीज को प्रमोट कर रहा है, सबसे पहले उसको पर्पस ढूंढते हैं। आप डिस्क्लाइमर में पर्पस दे देना कि मैं इसको प्रमोशनल पर्पस के लिए जो है प्रमोट कर रहा हूं, या फिर तो इन सारे चीजों को मैं एडुकेशनल पर्पस
के लिए यहाँ पर शो ऑफ किया हो, ये पर्पस गूगल को पता चल गया है। उसके बाद अगर कॉपीराइट का इशू आता है तो उसके लिए भाई डीएमसी तो है ही है कि डीएमसी आपका कॉपीराइट संभाल लेगा। अगर कोई भी बंदा, कोई भी ओनर आपके वेबसाइट से उसका सॉन्ग रिमूव करना चाहता है, सिंपली डीएमसी पे जाके क्लेम मारेगा, आप उसको तुरंत अपनी वेबसाइट से डिलीट कर देना, यही रास्ता होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इन टोटल सॉन्ग्स डाउनलोडिंग वेबसाइट्स का केस स्टडी। इसमें ट्रैफिक आपको भर भर के मिलेगा, रैंक बहुत ही ईजी है एंड एडसेंस भी साथ है, तो भाई क्या कहना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं नेक्स्ट केस स्टडी किस नीश के ऊपर बनाऊं, डेफिनेटली उसके ऊपर मैं बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।